भिगोकर खून में वर्दी निशानी दे गए अपनी, मोहब्बत मुल्क से सच्ची कहानी दे गए अपनी, मनाते रह गए कुछ भटके हुए लोग वैलेंटाइन डे, वहाँ पुलवामा में सैनिक जवानी दे गए अपनी। पर फर्क किसको पड़ता है, हर किसी को खुद से ही फुर्सत नहीं। तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। भाई आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा किल्स विल्स अटैक वटैक बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उन शहीदों के लिए एक कैंडल तो शाम को जला ही लेना, जो हमारी देश की रक्षा करते करते इस सरजमी को अपने खून से सींच गए, अपने लहू से सींच गए, तो उसके लिए ये तो बनता ही है। तो यार मतलब पोचंकी में ज़्यादा बंदे तो अभी तक आए नहीं थे, क्योंकि भाई मुश्किल से एक दो स्क्वाड यहाँ पर उतरा था। तो यहाँ से हम आगे की तरफ चलते तो एक बंदा आगे होता है, लेकिन उसको अराइजर आसानी से डाल देता है। तो भाई मुझे यहाँ भी कुछ नहीं मिल पाता है, हम बग्गी लेके यहाँ से निकल जाते हैं, और जो आगे होने वाला है वो देखो क्या ही होने वाला है। तो उधर बाना हाउस की तरफ एक बंदा आतंक काट रहा था, पेटी पे पेटी बना रहा था, तो हमने सोचा चलो अब इसकी ही पेटी बना दी जाए। तो देखो मतलब बंदा कितना ही बड़ा, कितना ही चालाक, कितना ही ठरकी है, देखो किधर से भी घुस रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ भाग रहा है। तो भाई इसको डालते हैं जल्दी से जल्दी। तो भाई लोग हम इस बंदे की पेटी बनाने के बाद हम दोबारा से पोचंकी की तरफ जाते हैं, और वहाँ जाकर जो मेरे साथ सीन होने वाला है ना, तो भाई फुल मतलब पेट पकड़ पकड़ के हंसने वाले हो यार। मुझे वहाँ सच में खुद पता नहीं चला था कि मैंने नशा कौन सा किया हुआ है, तो सच में था तो कोई नशा ही, तो लेकिन ये नहीं पता था कौन सा। तो देखो यहाँ क्या ही होगा मेरे साथ। नहीं भाई एक बात बता दो, मतलब यहाँ चाहता क्या था भाई, मेरे बात खुद समझ नहीं आई कि हुआ तो हुआ क्या, मतलब क्या कर रहा था, बार बार लेट रहा था, उसके पैरों गिर गया, वो भी मतलब इतना कंफ्यूज हो गया कि हो गया रहा है, उसका एम भी मुझ पर नहीं बैठ पाया। तो यहाँ पर एक दूसरा बंदा आ जाता है, तो इसे इजीली डालते हैं, और यहाँ से थोड़ी बहुत उनकी पेटी वेटी लूट लाट कर तो निकल लेते हैं यहाँ से। तो भाई अब ये बग्घी हमारी उस तरफ जा रही है जहाँ पर भूतिया इलाका है, मतलब वहाँ गाड़ियाँ तो चलती हैं लेकिन गाड़ियों में बंदा नहीं होता, बंदे के पास से निकल जाते हैं बंदा नहीं दिखता। तो भाई हमें नहीं पता वो क्या भूतपना था, क्या भूतिया स्थान था, तो आप वीडियो को आराम से ध्यान से देखना और मुझे बताना कि यहाँ आपको बंदा दिखा था कि नहीं दिखा था। तो अभी फिलहाल में दिखेगा तो आप ज़रूर बताना कि दिखा या नहीं दिखा, उसे मैं स्लो मोशन में भी दिखाने वाला हूँ, तो जब बताना भाई। तो गाइस कुछ ध्यान दिया, मेरे पास से गाड़ी गुजरी लेकिन उसमें कुछ नहीं था। देखो अभी तक मैंने मतलब शुरू में ही देखा था, मुझे लगा था कि कुछ नहीं, उसके गंदे की गाड़ी खुद निकल रही है। तो देखो यहाँ जाकर भी मैं इसी कन्फ्यूजन में फंसने वाला हूँ। तो देखो यहाँ भी मुझे कुछ नहीं दिखा, इस चीज़ को मैं स्लो मोशन में भी दिखाऊंगा बाद में, लेकिन देखो क्या भाई कुछ भी। तो भाई अचानक से बंदा वहाँ पर सामने आ जाता, देखो अराइजन कैसे ही डालने वाला उसे। भाई कहाँ से, तो देखो भाई स्लो मोशन भी एक बार आप देख सकते हो, लेकिन भाई मुझे नहीं पता ये कि बंदा कहाँ से आया, तो भाई आप लोग बता सकते हो तो बता दो। भाई गाड़ी को ध्यान से देख लो, अगर बंदा इसमें दिख रहा हो ना तो भाई 5 रुपये फोन पे अभी करूँगा, अभी पेटीएम फोन पे जो भी हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, दिखा हो तो बता देना कि वहाँ पर बंदा था। देखो भाई मतलब कुछ भी,
लेकिन जो भी हुआ बहरहाल यहाँ पर हम बच गए, हमारी इतनी खैर मतलब इतनी शांति के साथ, इतनी शांति माहौल में यहाँ पर हम बच गए, इतनी खुशी हमको बहुत है। तो भाई अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो भाई आगे बहुत ही खतरनाक सीन होने वाला है। इधर यासनाए की साइड में राइजन को एक फ्लेयर दिख गई थी, तो भाई हमने सोचा कि सीधा चल के रस करते हैं और उनमें मचाते हैं तवाई। तो वहाँ जाकर मतलब क्या ही इंटेंस, क्या ही मतलब एक नंबर फाड़ू फाइट होने वाली है ना, तो भाई देखने में बहुत ही मजा आएगा। ध्यान से देखो, तो भाई ऊपर वाले बंदे का तो मैं घंटा नहीं उखाड़ पाया, लेकिन हमने सोचा कि शायद एक दो बंदा नीचे भी हो, लेकिन ऊपर वाला बंदा मतलब इतना कवर बना के मतलब बिल्कुल फिट तरीके से था ना। तो भाई यहाँ पर हम जैसे ही अंदर आते हैं तो पता चलता है कि कुछ बंदे लेफ्ट में भी। तो भाई यहाँ पर देखो मेरी कन्फ्यूजन, तो लो भाई साहब मतलब कुछ भी इतना चर्ची हो गया है भाई यार तुम्हारा भाई। तो यहाँ पर हम जैसे ही मतलब चारों तरफ बावले होकर घूम रहे थे, तो हम मुझ पर एक यूजेड आएगी थोड़ा सा स्प्रे आता है, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ नहीं दिखता है, तो मैं थोड़ा इसको बिस्कोप करता हूँ, कुछ नहीं मिलता है। तो भाई यहाँ पर देखो क्या ही होने वाला है। तो यहाँ पर एक बोट बाबा आ जाते हैं, मैं उनका किल लेता हूँ और वहाँ पर स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर वो बंदूक लेफ्ट से दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो सुकम की गोली फूकना है, तो भाई फूकता रहता है। तो यहां देखो मतलब क्या ही मतलब फटके चार ही होने वाली थी मेरी, लेकिन बच गई। तो भाई साहब यहां पर बचना मतलब ऐसे मानो जैसे नसीब साथ दे गया हो। तो भाई यहां पर एक किल तो मैं ये बनाता हूँ, और देखो उस बंदे को क्या ही मतलब क्या ही निंजा टेक्निक से मारने वाला हूं मैं। देखो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर मतलब चारों तरफ से बंदे मतलब पटापट कर रहे हो, तो भाई बहुत ही शांति से बहुत ही मतलब ऐसी इंटेंस फाइट में बहुत ही हिसाब से काम लेना चाहिए, मतलब जहाँ आपको मूवमेंट सही लग रही हो वो मूवमेंट कर लीजिए हर बार। तो यहाँ पर मैं इसका इजी से किल ले लेता हूँ, लेकिन लेफ्ट में जो बंदे थे, लेकिन अब तो मेरे राइट में वो बंदे मतलब दिख कर ही जा रहे थे, परेशान कर ही जा रहे थे, इससे मेरे एक को नुकसान। तो भाई यहाँ मैं सोचता हूँ कि सीधा रस किया जाए, तो देखो लेकिन मेरे साथ क्या ही होने वाला है। यहाँ पर किसी की फटी में पैर नहीं देना चाहिए, तो ऐसा ही होता है, नहीं तो यहाँ मेरी तो बस हालत गंभीर हो गई थी। तो मैं हील करता हूँ, मुझे पता था कि राइट वाला बंदा एक नोक है, तो मैं आसानी से पहले हील करता हूँ बैट, हील करने के बाद यहाँ पर वॉल बनाता हूँ। तो इस बात पर राइजन भी मुझ पर हंसता है कि वाह बेटे तो भाई मौज कर दी। तो भाई यहाँ पर जैसे ही हम करते हैं, तो भाई राइजन एक बंदे को इजीली सामने वाले को नोक डाल देता है, तो फिर हम उन पर क्या ही रस करने वाले हैं। अब पूरे ध्यान से देखो, अरे वाह शेर हुआ, तुम तो अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो यहाँ पर इन बंदों ने हमें कंटिन्यू मतलब स्प्रे दिया, लेकिन एक गोली टच तक नहीं हुई। तो भाई अब इनका हाल तो अंजाम तो बुरा होने ही वाला था, क्योंकि भाई हमारी तरफ गोली चलाएगा तो मरेगा सीधी सी बात है। तो भाई ये एक नोक, तो अब दूसरा बंदा सामने से मतलब जहां बैठा था वहीं पर टीपीपी लेकर बैठा, उस बंदे को कुछ भी डर नहीं, तो देखो उसे कैसे ही मारते हैं, ये फिनिश। तो भाई जो बंदे उधर नोक मारे थे मैंने राइट साइड में, तो वो बंदे भी उधर से आ रहे थे, क्योंकि उधर से आ रहा था जोन, तो उससे बचने के लिए वो भी कंटिन्यू अपनी तरफ मतलब जोन की तरफ भाग रहे थे। देखो उन्हें कैसे डाले, एक राइजन ने डाला और दूसरा बंदा ले निकल। ये खत्म। तो भाई हम इन बंदों को भी फिनिश करके और 14 किल के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। तो भाई जोन में पहले तो पहुंचते हैं, वहां जाके करते हैं हील वील। तो भाई अब देखो आगे क्या ही होने वाला है। तो भाई इरेंगल के गेम प्ले में सांपों की तो मार होती है, तो वो ये सांप ना हर जगह मिलते हैं और सांप यहाँ भी मिलेंगे, तो भाई इनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो देखो यहाँ क्या ही होने वाला है। इस बंदे का बक्सा लूटकर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तब
तो भाई साहब देख रहे हो प्रोनेस, इतनी प्रोनेस जाग रही कि बंदे को किसी को निकलने का मतलब नहीं, मतलब इतनी दूर गाड़ी वहां पर भी स्प्रे। तो यहाँ पर जो बंदों से हम टकराए तो देखो इनका क्या ही सीन करने वाले हैं। तो इनका एक बंदा तो यहीं पर था, एक बंदा साइड वाले वैन हाउस में था, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं लगने वाला क्योंकि सामने से एक ओम चलाने वाले स्नाइपर बाबा बैठे थे। तो भाई भाई कर रही स्नाइपर चला रहे थे, उसने ना हमारे राइजन बाबा को भी लौटा दिया था। तो भाई अब देखो क्या ही सीन होने वाला है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर जैसे ही मुझे दिखा कि राइजन नॉक हो गया, तो भाई मैं बिना कुछ सोचे समझे वापस उल्टे पैर दौड़ने लगता हूँ उसे रिवाइव देने के लिए। तो यहाँ सबसे खतरनाक कंडीशन थी कि सामने वाले बंदे रस कर रहे थे, तो देखो यहाँ क्या ही सीन होने वाले हैं। तो फाइनली गाइस हम दोनों ने मतलब इन दोनों की मतलब क्या ही पेटी बनाई। तो मतलब हम यहाँ पर तो इनसे फाइट तो जीत गए, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर हील करते हैं तो भाई एक गाड़ी एकदम से रस कर देती है हमारे ऊपर। तो भाई यहाँ पर बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कर्रा सीन होने वाला है। तो भाई यहाँ पर तो अपना तुम्हारा भाई मतलब निंजा टेक्निक लगा के उन लोगों को मारने वाला है, तो उस चीज में तो भाई सबसे ज्यादा मजा आता है। तो देखो भाई ध्यान से क्या ही होने वाला है। गोली बर्बाद बहनचोद, मतलब यहाँ पर एक भी गोली उन बंदों को मेरी टच नहीं हुई। तो भाई यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि सामने बंदा टीपीपी लेके खड़ा है तो एक नेड कर दिया जाए। तो जय बजरंगबली, लेकिन भाई बजरंगबली तो बोल दिया लेकिन दुश्मन की नली नहीं टूटी। वो सिर्फ बच्चों बच्चों का खेल होता है कि जय बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली, तो लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं टूटा। तो भाई यहाँ पर देखो क्या ही सीन होने वाला है। तो राइजन बोलता है कि जल्दी से इन्हें खत्म किया जाए, फिर पीछे जो गाड़ी आई है उसे देखते हैं। तो इस बंदे को मैंने थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया लेकिन कुछ मिल नहीं पाया। तो मैं नीचे आता हूं, एक नेट फिर से करता हूं। तो हम बिना सोचे समझे भाई साहब क्रिस बन के पट से ऊपर जाते हैं। तो देखो यहां क्या ही सीन करने वाले हैं। तो भाई साहब मतलब क्या ही हेल्थ बची मेरी, भाई साहब मुझे लग रहा था कि मेरी पेटी बन गई, मतलब नोक हो गया, मतलब मैं पेटी बना ही देता भाई। वो कंटिन्यू मतलब कवर में खड़ा था और मैं ऊपर से उसके मुंह के आगे से गिरा था। तो भाई इस सिचुएशन में भाई साहब ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जो हुआ सही हुआ। तो हम उस बंदे की तलाश में जाते हैं जो बंदा हमें दिखा था पीछे की तरफ गाड़ी लेके जाता हुआ। तो फाइनली वही बंदा बचा था, तो वहां जाकर हम ज्यादा ही बड़े प्रो बन जाते हैं, लपेट दिए जाते हैं, लेकिन वो बंदे को एराइजन आराम से डाल देता है। तो हमारा चिकन डिनर इजीली हो जाता है। तो देखो क्या ही सीन होने वाला है। तो भाई यार इस बंदे को ढूंढते हुए इस फील्ड के हमने इतने सारे चक्कर लगा दिए थे ना कि भाई थक गए थे यार सच्ची में। मन कर रहा था कि साला नेट फोड़ ले अपने ऊपर ही, लेकिन उस बंदे ने स्मोक किया और अपनी लोकेशन दे दी। तो यहाँ पर देखो भाई तुम्हारे भाई ने क्या ही चरस खा रखा था और क्या ही स्प्रे देने वाला है। तो मन से बस एक ही बात निकलेगी, अरे कहना क्या चाहते हो। तो भाई लास्ट में अगर यहाँ पर मेरी तो बत्ती बुझ गई थी, लेकिन मेरे टीममेट ने आसानी से उस बंदे को मारा और चिकन डिनर अपना कर लिया। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कैसी लगी आज की मतलब गेम प्ले में कितना मजा आया, तो भाई ये चीज तो आपको कमेंट में बतानी है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर नए हो तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।